नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा और आज आप लोगों से मुखातिब हूँ। और आज मैं एक ऐसे विषय पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, अपनी राय रखना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही संजीदा है और जो हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा यह तय करेगा। जी हाँ, मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ देश की बढ़ती हुई आबादी के ऊपर। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि हमारे देश की आबादी लगभग इस समय 130 करोड़ है और चाइना की जो आबादी है वो लगभग 5 या 6 करोड़ हमसे अधिक है। तो यानी कि भारत की आबादी और चीन की आबादी, दोनों देशों की आबादी को मिला लिया जाए तो विश्व की जो 197 देशों की कुल आबादी है वो 750 करोड़ है। उस आबादी का लगभग करीब करीब आधी आबादी, पूरे विश्व की आबादी की कुल आबादी का आधी आबादी केवल भारत और चीन में रहती है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, यानी कि विश्व के जो 195 देश हैं उनकी आबादी और मात्र 2 देशों की आबादी। भारत को हमेशा से सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन हमें पिछाड़ने वाली क्या है? आबादी। चीन ने तो अपनी आबादी को औद्योगिकीकरण की राह पर चला करके खपा डाला। उसने तो अपने उद्योग धंधे लगाए क्योंकि वो जानता था कि इतनी बड़ी हुई आबादी को नियंत्रित करने के लिए उसको रोजगार भी चाहिए, तो उसने उद्योग धंधों से उसे खपा डाला। लेकिन क्या हमारे यहाँ हम अपनी जनता को पूरी तरह से रोजगार में लिप्त कर पा रहे हैं? उन्हें वो रोजगार जो मिलना चाहिए क्या हम दे पा रहे हैं? शायद नहीं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और जो आने वाला समय है वो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का समय है और भारत जैसे बहुल आबादी वाले देश में बेरोजगारी किस स्तर तक जाएगी इसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ, हमारे देश में प्रतिदिन 27,000 जो है लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं और लगभग 74,000 बच्चे प्रतिदिन जन्म लेते हैं। और 74,000 और 27,000 के बीच का जो आंकड़ा है, यानी पैदा होने और मरने के बीच का जो आंकड़ा है, वो 47,000 का आंकड़ा है। यानी कि 47,000 बच्चे रोज हमारे देश में हमारी आबादी में जुड़ जाते हैं। पर क्या कभी हमारी किसी भी सरकार ने, मैं सभी सरकारों के बारे में बोलता हूँ, क्या किसी भी सरकार ने आपने देखा है आबादी के ऊपर कोई बयान दिया हो कि जिस कदर हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है, जिस कदर हम 50,000 लोग, जनमानस जो है रोज भारत के आवाम में रोज शुमार हो जाता है, तो क्या कहाँ से हम इनके लिए पैदा करेंगे भोजन? कहाँ से हम इनके लिए ऑक्सीजन लाएंगे? पहले से ही जो लोग हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है प्रदूषण के चलते। कहाँ से हम इनके लिए जल लाएंगे, पानी लाएंगे, पेयजल लाएंगे? और कहाँ से ये जो नदियाँ हैं हमारी, क्या इनकी इतनी क्षमताएं हैं कि ये बढ़ती हुई आबादी के बोझ को झेल सके? कहाँ से हम सड़कें लाएंगे? कहाँ से हम अपनी गाड़ियों के लिए पार्किंग लाएंगे? कहाँ से हम संसाधन लाएंगे? और कहाँ से हम शिक्षा संस्थान लाएंगे? कहाँ से हम अस्पताल लाएंगे? कहाँ से हम पार्क लाएंगे? कहाँ से हम ज़मीनें लाएंगे? क्या कभी किसी भी सरकार ने इस ओर सोचा है या आपसे इस बारे में कभी कोई आपने किसी राजनीतिक दल को चर्चा करते देखा? आपने किसी भी राजनीतिक दल को आज तक आबादी को छेड़ते हुए नहीं देखा होगा कि आबादी बढ़ रही है, इसके ऊपर कोई ऐसा निर्णय लिया जाए, कोई ऐसी नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए ताकि कम से कम देश की आबादी जो आज, कम से कम आज भी अगर हम कुछ सोचना या कुछ करना शुरू करें तो शायद हो सकता है, हालांकि हम एक बहुत बड़े विस्फोट के ऊपर बैठे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि आज अगर हम सोचेंगे तो आने वाले कुछ सालों में उसका कुछ असर नजर आना शुरू हो जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ना कभी सोचा गया, ना कुछ किया गया। और मैंने जो आपको बताया था 27,000 लोग जो है प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में लगभग 5 करोड़ वृक्ष जब मृत्यु होगी तो लोगों को जलाने के लिए जो हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए 5 करोड़ वृक्ष काट दिए जाते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जब आबादी बढ़ती है तो एक विशेष साइकिल है ये, तो सिर्फ आबादी नहीं बढ़ती है, आबादी के साथ जुड़ी हुई
तमाम वो समस्याएं बढ़ती हैं जो हमें ले जाती हैं भुखमरी की ओर, बेरोजगारी की ओर, तंगहाली की ओर और संसाधनों के कमी की ओर। तो जो आबादी का बढ़ना, केवल आबादी का बढ़ना नहीं होता, जब आबादी बढ़ती है तो आबादी के साथ संसाधन भी बढ़ते हैं, उसके यूजर्स जो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो भी बढ़ती हैं। आप देखिए 130 करोड़ की आबादी हुई तो वाहनों की संख्या भी कितनी बढ़ती चली जा रही है। आज महानगरों में ये हालात हैं कि इंसान तो अपनी जगह है, जो समस्या है सो है, उससे बड़ी समस्या वाहन है, उनकी पार्किंग की समस्या, वाहनों की संख्या बढ़ी। अब वाहन बढ़े तो वाहनों के भीतर से निकलने वाला जो धुआं है वो भी बढ़ा, यानी कि कार्बन उत्सर्जन बढ़ा। कार्बन उत्सर्जन बढ़ा तो हमारा टेम्परेचर जो है वो और ज्यादा गर्म हुआ, टेम्परेचर गर्म हुआ तो क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ। इसी तरह से जब आबादी बढ़ती है, आप कल्पना कीजिए जब भारत को आज़ादी मिली उस समय हमारी 35 से 40 करोड़ आबादी रही होगी, और उस समय जो है नौकरियों का ये हाल था। सरकारी नौकरी की मैं बात बतलाता हूँ कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि कोई सरकारी नौकरी करने में रुचिकर नहीं होता था, और आज ये हालात हैं कि आज छोटी छोटी सी एक पीओन की नौकरी के लिए जो है पढ़े लिखे जो युवा हैं वो बेचारे मारे मारे फिरते हैं। तो ये किस वजह से है, आबादी की वजह से। ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी आबादी मात्र 2.5 करोड़ है, उस 2.5 करोड़ में भी अगर आप उनकी वो करेंगे, सेंसस करेंगे तो पता चलेगा 50 लाख तो उसमें भारतीय होंगे। तो जिस मुल्क की 2.5 करोड़ की आबादी हो, भारत से क्षेत्रफल में दुगना हो, सोचिए वहाँ का जीवन स्तर कितना बढ़िया होगा। और हमारे अकेले दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों नहीं हमारी सरकारें, हमारे नेता और हमारी जनता क्यों नहीं जागरूक होती, क्यों नहीं हम चर्चा करते आबादी के विषय में। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि आज हमने अपने भीतर हर बुराई को लेकर के एक इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, हम हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्लोटिंग पेपर की तरह। ये बहुत बड़ी समस्या है, हम हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ अच्छा, जहां हम बुरा अच्छाइयों के प्रति जो हम अपने अंदर एब्जॉर्प्शन लाए हैं, दूसरी तरफ हम बुराइयों के प्रति भी एब्जॉर्प्शन ले आए, यानी हमारे सामने कुछ भी गलत घटित होता है तो हम उसका प्रतिकार नहीं करते, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, बोलते नहीं। सभी जानते हैं कि सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीना प्रतिबंधित है, लेकिन यदि कोई पी रहा हो तो कोई उसे रोकने वाला नहीं। और ये समस्या मैंने मूलतः इधर नॉर्थ इंडिया में मैंने ज्यादा देखी है, मैं दक्षिण भी घूमा, मैं नॉर्थ ईस्ट में भी गया, मैंने देखा दक्षिण के अंदर अगर आप कुछ भी छोटा सा भी गलत काम करते हैं तो लोग आपको, वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता आपको रोकती है, टोकती है। लेकिन मैंने दिल्ली में रहते हुए ये नहीं देखा कभी किसी को टोकते हुए, और कोई गलत काम कर रहा है तो साफ कर रहा है, वो सिगरेट पी रहा है तो पी रहा है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर मैंने देखा दिल्ली में कि बच्चे सड़कों के ऊपर खुलेआम, सड़क चल रही है और खुलेआम बच्चे झुग्गी झोपड़ियों से आकर के वो वहाँ पर अपना विष्ठा कर रहे हैं और जनता वहां से गुजर रही है, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। अगर सड़क किनारे कहीं आग लगी है तो कोई किसी को ये नहीं होता कि साहब अपनी गाड़ी रोक करके आप 100 नंबर पे फोन कर दें या किसी को अपना कोई। तो हम जो है अपने सामाजिक उत्तरदायित्व से बिल्कुल मुंह मोड़ते जा रहे हैं और एक बहुत विस्फोटक स्थिति है। तो ये तमाम बातें हैं और मैं ये बताना चाहता हूं कि खास करके जो आबादी है इसके ऊपर हमें बहुत वृहद परिवेश में एक नीति बनाने की ज़रूरत है, ताकि कम से कम आज अगर हम कुछ करें तो आने वाली जो नस्लें हैं हमारी उनका कुछ बेटरमेंट हो सके। कम से कम एक ऐसा हमें पर्यावरण तो मिल सके जिसमें हम थोड़ी सी सांस ले सकें। आज आप देखिए ना शहरों का क्या हालात है, आप अपने घर के अंदर तो एयर कंडीशन चलाकर बैठ जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब आप बाहरी परिवेश में जाते हैं तो क्या होता है, धूल मिट्टी धुआं, बड़े बड़े जाम लगे पड़े हैं, सरकारों के पास कोई पॉलिसी नहीं है, सड़कों के ऊपर लंबे लंबे जाम हैं, कतारें हैं, जीवन जो है दुभर हो चुका है, लेकिन कोई हमारे पास नीति नहीं है कि एक सड़क के ऊपर उसकी क्या क्षमता है, कितने उसके ऊपर जो है वाहन आने चाहिए, कितने नहीं आने चाहिए, किसी भी तरह की कोई ऐसी नीति नहीं है। तो ये तमाम समस्याएं हैं और मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे इस वीडियो को अधिक से अधिक भेजिए,
ताकि ये कम से कम हमारे हुक्मरानों तक ये आवाज़ पहुंचे कि जो आज आबादी के हालात हैं इसको लेकर के कुछ कदम उठाइए, कुछ कीजिए, कुछ नियम बनाइए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि हर शख्स की पीठ पर एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा और आपके मुंह के ऊपर मास्क लगा होगा। अभी तो आप केवल वो अपने मुंह पर मास्क लगाते हैं ताकि धुआं आपके अंदर ना जाए, फिर ऑक्सीजन के पीठ पे सिलेंडर और मुंह पर मास्क लगा के आपको अपनी दिनचर्या व्यतीत करनी पड़ेगी। और ये बात मैं दावे से कहता हूँ, मैं एक पर्यावरणविद हूँ, पर्यावरण से जुड़ा हूँ, और मैं ये बात आपको लिख करके दे सकता हूँ कि आने वाले 10-15 साल में ऐसे हालात हो जाएंगे अगर हमने इस ओर कुछ नहीं सोचा। तो इसी संदेश के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर कभी मुखातिब होऊंगा किसी और समस्या के साथ। धन्यवाद।